हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनु छाबड़ा। आज मैं आपके साथ कुछ अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूं। यूजुअली मेकअप हम सभी लोग करते हैं, कोई कभी कभी करता है, कोई डेली बेसिस पे करता है, बट स्किन केयर के लिए हम पार्लर वाली दीदी पर ही डिपेंड रहते हैं। एक या दो महीने में हम लोग फेशियल्स करवाते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ गाइज। हमें अपने स्किन को डेली बेसिस पे नरिश करना चाहिए और डेड स्किन को रिमूव करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स हैं। आप अपने स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं, आप किसी भी स्किन केयर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर कुछ दिन पहले द फेस शॉप का स्किन केयर रूटीन भी शेयर किया था, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए। मैंने इन प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज किया है और मेरे लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं इन्हें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल और ड्राई दिख रही है। ह्यूमिड वेदर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, ये उन्हीं के स्कार्स हैं, बट फिलहाल मुझे कोई एक्टिव एक्ने नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेरा स्किन केयर रूटीन अपने फेवरेट द फेस शॉप के फेस वॉश से। आपके पास कोई भी फेस वॉश अवेलेबल हो आप उससे ये कर सकते हैं। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैंने इसे वाइप ऑफ नहीं किया है क्योंकि मुझे अभी स्क्रब यूज करना है। ऑप्शंस हैं, एक है लोटस का फ्रेश एप्रिकॉट स्क्रब और दूसरा है बायोटिक रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। दोनों ही स्क्रब बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। आज मैं यूज करूंगी बायोटिक का टैन रिमूवल स्क्रब। ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। इसे मैं एक से दो मिनट तक अपने फेस पर बहुत ही लाइट हैंडेडली मसाज करूंगी। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है मुझे अपनी स्किन पर। आपको अपनी स्किन को वीक में एक बार कम से कम एक्सफोलिएट ज़रूर करना चाहिए। स्क्रब करने के बाद अपने फेस की नीड के हिसाब से ही हमें मास्क अप्लाई करना चाहिए। मास्क के लिए यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एलोवेरा जेल, ये काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा और अफोर्डेबल भी है। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए और ये प्लम का ब्राइटनिंग मास्क परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो ये इंस्टेंटली आपके फेस को ब्राइटन अप करेगा, काफ़ी अच्छा फेस मास्क है ये। और ये थर्ड ऑप्शन है खादी हर्बल का हल्दी चंदन फेस पैक, इसे आज मैं यूज़ करूंगी। हल्दी के बेनिफिट्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्किन और हेल्थ के लिए ये कितनी अच्छी है। और चंदन मेरी स्किन को कूल डाउन करेगा जो कि एक्ने की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो चुकी है। मैं आज इसे रोज़ वाटर में मिक्स करके अप्लाई करूँगी। आप इसे कच्चे दूध में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। इसे मैं अपवर्ड्स मोशन में अप्लाई करूँगी और इसके पूरी तरह से ड्राई होने के बाद इसे वॉश कर दूंगी। और अब मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब मैं यूज़ करूंगी टोनर। टोनर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है बायोटिक का बायो कुकुम्बर और सेकंड है खादी का टोनिंग लोशन जिसमें है पोमोग्रेनेट एंड लेमन। ये दोनों ही टोनर बहुत अच्छे हैं। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आप इन दोनों में से किसी को भी परचेज कर लीजिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। आज मैं यूज़ करूंगी खादी का टोनिंग लोशन और इसे मैं पैटिंग मोशंस में अपने फेस पर लगा लूंगी। आप चाहें तो कॉटन पैड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, ये है न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री मॉइस्चर, इसमें SPF 15 है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये सिंपल का हाइड्रेटिंग लोशन भी काफ़ी अच्छा है। और मैं आज यूज़ करूंगी न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र लोशन, इसे मैं पैटिंग मोशंस में अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। और नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी मामा अर्थ की अंडर आई क्रीम, इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अंडर आई क्रीम है ये। और इसके बाद इन सभी प्रोडक्ट्स को अपने फेस पर इंटैक्ट रखने के लिए मैं यूज़ करूंगी सनस्क्रीन लोशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सनस्क्रीन लोशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसे मैं बस पैटिंग मोशंस में ही अप्लाई करूंगी, इसे मैं बिल्कुल रब नहीं करूंगी अपने फेस पर।
सो गाइज आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन और हाइड्रेटेड दिख रही है। एक्ने स्कार्स हैं बट वो धीरे धीरे ही डिसअपियर होंगे, बट रेस्ट ऑफ माई स्किन इज लुकिंग हाइड्रेटेड एंड प्लम्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। सो गाइज मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।